है एवरीवन, दिस इज समीर हियर। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे, यार कोडिंग करते वक्त डीमोटिवेट हो जाते हो या फिर एक जो प्रॉब्लम है डीएसए का, जब आप प्रॉब्लम कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पा रही और आपके साथ का जो फ्रेंड है यार वो कर ले रहा है, तो यार ये प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर आप कोडिंग करते वक्त डीमोटिवेट हो जा रहे हो, तो उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, डीमोटिवेट ना हो, आप अपना जो इंटरेस्ट है उसको किस तरीके से बनाए रख सकते हो, तो यार वो सारे इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको तीन अपने पर्सनल ट्रिक्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया तो यार डेफिनेटली आप चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में। अगर तीन में से एक भी कर लिया तो यार फर्क दिखेगा, तीनों कर लिए तो बहुत जल्दी फर्क दिखेगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था जब मैं कॉलेज में था। तो यार जो वो है कि भैया तुम्हें जैसा बनना है तो वैसा तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो सोचोगे कब? जब तुम्हें दिखेगा। दिखेगा कब? जब तुम्हारे आसपास वैसे लोग होंगे, ठीक है। तो यार उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि भैया अपने संगति जो है, बोलते हैं ना संगत जगह, तुमने एग्जांपल सुना होगा यार, जो कि 10 सेब हैं, अगर एक सेब खराब है तो वो 10 खराब हो जाते हैं। संगत जो है वो तुम्हें बनानी पड़ेगी अगर तुम वाकई में कोडिंग में इंटरेस्टेड हो। तो यार तुम पहले सबसे पहले अपने फाइंड करो अपने आसपास, अगर कॉलेज में हो तो यार कॉलेज में देखो अपने फ्रेंड्स बनाओ वहाँ पर जो कि इंटरेस्टेड हो कोडिंग में। ऐसा मत बनाना कि किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो मुझे साथ कर लेने, तो भाई काम गड़बड़ हो जाएगा। जो कोडिंग में इंटरेस्ट हो उसके साथ तुम दोस्ती बनाओ और उसके साथ कॉम्पिटिशन करो। उससे बोलो भाई तूने कौन सा सवाल कर लिया, इतने कर लिए, ठीक है मुझे ये करना चाहिए। तो उससे जब तुम करोगे बातचीत तो यार बात आगे बढ़ेगी। सबसे पहले ये कि अपने आसपास ऐसे लोग फाइंड करो जो तुम मतलब तुम्हारे जो करियर के साथ चल रहे होंगे। तुम सीएस के स्टूडेंट हो तो यार सीएस के स्टूडेंट के साथ ही अपने आप को बांध के रखो, ठीक है। फर्स्ट तरीका ये कि यार आप कॉलेज में जाकर कर सकते हो, कॉलेज में हो तो कर सकते हो। यार कॉलेज अभी बंद है या फिर कॉलेज में नहीं हो तब क्या करो, यार सबसे अच्छा तरीका है लिंक्डइन। मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना दिया है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, जो लिंक आ रहा होगा तो वहाँ पर आप देख के भी कर सकते हो। वहाँ पर आपको यार हजारों लाखों जो है सीएस के जो बंदे हैं, आईटी से रिलेटेड बंदे हैं, वो मिल जाएंगे। उनसे आप बातचीत करके यार और अपने जो संगत है उसको बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको जो फर्स्ट ट्रिक है वो समझ में आया होगा। अगर उसको अप्लाई करते हो तो यार डेफिनेटली जो चेंजेस है वो दिखेंगे। अब बात करते हैं गाइस सेकंड, यार सेकंड ऐसा कौन सा तरीका है जिसको आप करते हुए अपने जो कोडिंग इंटरेस्ट है उसको बनाए रख सकते हो। तो यार सेकंड तरीका जो है बहुत पॉपुलर है, कॉन्टेस्ट। तो बेसिकली बहुत कंपनी जो है कॉन्टेस्ट करा रही होती हैं, तो यार अगर वो आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन क्या है यार कि वहाँ पर प्राइजेस उनके रहते हैं, कभी कभी मैकबुक होता है, कभी 1 लाख 2 लाख का ऐसा प्राइज होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज होता है, और 50 लोग को वो अमेजोन का वाउचर ऐसा कुछ दे रहे होते हैं। तो यार ये बहुत सही है, कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करो। और अगर कुछ बंदे ऐसे सोच रहे हैं हमें तो घंटा को जाता नहीं है कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो पार्टिसिपेट करने के लिए, देखो अगर तुम्हें वाकई में अभी भी कुछ नहीं आता, डोंट डीमोटिवेट, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो यार, तो तुम अपना एक ऐसा एम रखो कि भैया मैं कोडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं जानता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं जीत नहीं पाऊंगा, मगर एक ऐसा रखो थिंकिंग कि यार मैं अगर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो अगर तुम सीख रहे हो उस मकसद से तुम जा रहे हो कि यार मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम होता है, कैसे कोड वहाँ लिखते हैं, तो वो जो तरीका है ना यार वो तुम सीख जाओगे। एक बार सीखोगे, दो बार सीखोगे, तीन बार सीखोगे, यार चौथी बार में तो यार चांसेस हैं जीतने के। तो यार वो अगर करते हो तो डेफिनेटली जो है चेंजेस तुम देख सकते हो। तो यार ये सेकंड तरीका था। सेकंड तरीके में तुम कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कहाँ पर करना है भैया? तो यार बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हैकर रन हो गया, हैकर अर्थ हो गया, तो यहाँ पर आप जाकर कॉन्टेक्स्ट रन करते रहते हो, तो वहाँ पर जाकर तुम रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद तुम्हारे पास एक लिंक आ जाएगी ईमेल पे, और इस लिंक पे तुम जाकर कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो गाइस बात करते हैं थर्ड तरीके की। तो यार तीसरा तरीका जो है बहुत कूल है, जो कि है आप यार एक कोडिंग ऐसी वेबसाइट ढूंढो जहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हो। तो यार वेबसाइट आप कौन सी ढूंढो, कहाँ ढूंढो? तो यार देखो सबसे, अगर आप बिगिनर हो तो यार बिगिनर के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा हैकर अर्थ। तो वहाँ पर क्या होगा कि यार थोड़े मतलब वहाँ पर बिगिनर टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको आप करोगे तो वो हो जाएंगे, तो आप उससे फिर क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे तो भैया तो आप तो फिर कर नहीं जाओगे, इंटरेस्ट आपका बना रहेगा क्या, चलो यार इतना तो कर ले रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन तो कर ले रहा हूँ, तो उससे आप डीमोटिवेट नहीं होगे। स्टार्टिंग में यार आप क्या करोगे, लोग कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, कोई 20 कर रहे हैं, ऐसा मत करो भाई, बिल्कुल भी नहीं। तुम अगर बिल्कुल ही बिगिनर हो तो भैया तुम एक करो या फिर दो कर लो, ज़्यादा ज़्यादा मतलब मिनिमम एक रखो, अपना एक टारगेट रखो। अगर एक जल्दी हो गया, 5 मिनट के अंदर ही हो गया, तो दूसरा कर लो। दो क्वेश्चन एक दिन में रखो, ये कम से कम 20 दिन तक करो। 20 दिन के बाद यार तुम ठीक ठाक हो जाओगे, तो 20 दिन के बाद तुम फिर इसको जो है ये फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ाते चलो, तो ये करते चलोगे यार तो बहुत सही चले जाओगे। अगर ये सोच रहे हो तो देखो यार ये करने का जो तरीका है ना,
इस तरीके में भी है कुछ बात जो आपको ध्यान रखना है। क्या है कि देखो, अगर तुम जिम जाते हो तो जिम में जाके तुम करते हो हैवी वर्कआउट, देन उसके बाद आराम देते हो ना बॉडी को, तो इसी तरीके से ही हमारा माइंड है जो लॉजिकल होता है, कोडिंग में होती है लॉजिकल। तो वहाँ पर तुम अगर दिमाग लगाते हो तो तुम्हें यार थोड़ा सा उसको रेस्ट देना है। जैसे कि मान के चलो, मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि भैया तुम कोई एक प्लेटफॉर्म पे जाओ, जो हैकर अर्थ हो गया या हैकर रैंक हो गया, इन दोनों प्लेटफॉर्म पे जाओ, ये बिगिनर फ्रेंडली है। तो यहाँ पर तुमने दो क्वेश्चन कर लिए, दो क्वेश्चन कर लिए तो भैया तुम इसको फिर अपने रिवॉर्ड रिवॉर्ड दे सकते हो। रिवॉर्ड किस तरीके से, भैया चलो सो गए, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका तो ये कि दिमाग को भी रेस्ट मिल जाएगा। या तुम्हें अगर गेम खेलना हो, पबजी वगैरह खेलना हो, तो तुम वो खेल सकते हो, रिवॉर्ड दे रहा है। मतलब कोई काम कर, मतलब जैसे कि तुमने अगर कोई भी काम किया जो तुम्हारे करियर से रिलेटेड है, तो वो करने के बाद तुम अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो, चाहे तुम पबजी खेल के, चाहे तुम सो के, तुम्हारा अलग अलग तरीके हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये तुम्हें करना है, अगर ये कर लेते हो तो यार बात आगे बढ़ जाएगी, तुम्हें डिमोटिवेशन नहीं होगी। और आई होप आपको यार ये तीनों चीज़ें समझ में आई। पहला तरीका ये है कि यार आपको अपने आसपास वैसे लोग जनरेट करने हैं, क्रिएट करने हैं, संगति ऐसी रखनी है कि भैया वो भी आपसे करियर से रिलेटेड हों। सेकंड तरीका ये था यार कि आपको कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करना है। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करते हुए आपको अपने नॉलेज को गेन करना है और इंक्रीज करना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। तो जो थर्ड तरीका था वो था आपको वेबसाइट पे जाना है। बेसिकली जो कोडिंग वेबसाइट्स हैं, जो हैकर अर्थ हो गया, हैकर रैंक हो गया, ये जो बिगिनर फ्रेंडली वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपको इजी टाइप के क्वेश्चंस को करने हैं। क्वेश्चन करने के बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड देना ही देना है, इसी का ध्यान रख लेना, आपको रिवॉर्ड देना ही देना है। चाहे आप सो के दे सकते हो, चाहे आप खा के दे सकते हो, चाहे पबजी खेल के दे सकते हो, चाहे कुछ भी, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। ये तीनों तरीके हो गए यार, जिनसे आप को यार अगर तीनों तरीकों को अप्लाई करते तो यार कोडिंग में आप डिमोटिवेट नहीं होगे, आपसे कोडिंग हो रही होगी। अब बात करते हैं यार, एक मैं पर्सनल बोनस टिप देना चाहूँगा आप लोगों को। यार देखो, अगर आप कभी भी डिमोटिवेट हो तो यार एक बात सोचने कि भैया मैंने स्टार्ट ही क्यों किया था, और मैंने क्या स्टार्ट किया था, सिर्फ इतना आगे आने के लिए या फिर और आगे जाने के लिए भी। तो ये माइंड में हमेशा रखना। और सबसे बड़ा जो है मोटिवेशन, तुम जानते हो, रोकड़ा है, तो उसके बारे में तुम सोच लेना। एक बात बता देता हूँ, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब जो है भैया, वो आईटी फील्ड में ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही मिल रही होती है। तो ये बात ध्यान रख लेना, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है। तब तुम समझिएगा यार, रोकड़ा सबसे कुछ भी करवा सकता है भाई। तो अगर कभी भी डीमोटिवेट हो तो यार इसके बारे में एक बार सोच लेना, ठीक है। तो इससे तुम्हारा जो डीमोटिवेशन है ना, वो दूर भाग जाएगा। तो यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी कूल वीडियो मैं तुम्हारे लिए लाते रहूँगा यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।